तो दोस्तों दिवाली आ रही है और इस दिवाली के लिए जो घर की साफ सफाई कर रहे हैं आप, तो जरा ध्यान से कहीं किसी कोने में दादाजी के या पापा जी के खरीदे हुए कुछ पेपर शेयर्स मिल गए तो। दोस्तों पेपर शेयर्स को डीमैट में कन्वर्जन करवाने की सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाली इस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं पैसा बनाते हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों 1996 में डीमैट अकाउंट सिस्टम की फैसिलिटी भारत में लाई गई थी NSE के द्वारा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कई लोग हैं जिन्होंने आज तक उनके पेपर शेयर्स को डीमैट नहीं करवाया है। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार करीब करीब 45 लाख के ऊपर ऐसे शेयर धारक हैं या शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास अभी भी फिजिकल या पेपर शेयर्स हैं। उन शेयर्स की वैल्यू आज की डेट में तकरीबन 1 लाख करोड़ की है। मैं आपको ये बता दूं कि इस डीमैट कन्वर्जन की ये दूसरी वीडियो है। पहले एपिसोड की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अगर आपने देखा नहीं है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने फिजिकल शेयर या पेपर शेयर को डीमैट में कन्वर्जन करवाने की फर्स्ट स्टेप जो है RTA से कॉन्टैक्ट, तो इसकी जेन्युइन जानकारी दी है। अब आते हैं दूसरी स्टेप पर। अब RTA से कॉन्टैक्ट हो जाने के बाद दो बातें होगी। एक तो वो कहेंगे कि सब ठीक है और KYC अपडेट करवाएंगे और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए और डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म यानी DRF फिल करवाने के लिए आपसे कहेंगे, जो मैं आपको अगले वीडियो में यानी इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में बताऊंगा। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात ये कि वे आपको बताएंगे कि लगातार 7 साल डिविडेंड या बोनस क्लेम ना करने की वजह से आपके शेयर्स RTA की कस्टडी से निकाल कर IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की कस्टडी में चले गए हैं। तो RTA आपसे कहेंगे कि IEPF की प्रोसेस कर लीजिए, फिर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। एक फॉर्म होता है IEPF 5, तो ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और आप IEPF की वेबसाइट पर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चले जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से IEPF की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ओपन हो जाने के बाद देखिए आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। अब होता क्या है, ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको उसी फॉर्म की एक प्रिंट लेनी पड़ती है। वो प्रिंट लेकर आपके पास जिस कंपनी के भी शेयर्स हैं, आपको वो फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो आपको भेजने पड़ते हैं आपके पास जिस कंपनी के शेयर्स हैं उस कंपनी के नोडल ऑफिसर को। अब वो नोडल ऑफिसर का पता आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, जिस तरह से हमने RTA की इन्फॉर्मेशन निकाली थी पहली वाली वीडियो में। तो इसीलिए ये फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है और वो भी ऑनलाइन फिल करना होता है। तो ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पर देखिए ये जो ब्लिंक हो रहा है, देखिए रजिस्टर फॉर फिलिंग वेब IEPF 5 फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने ये नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज में आपको, आप खुद ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे इंडिविजुअल पर जो सिलेक्टेड है उसी पर रहने दीजिए। यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दीजिए। अब पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका नाम, यहाँ पर मिडल नेम और यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालिए। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब नीचे प्रोफेशन में अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कीजिए, अगर आप सैलरीड यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए, अगर रिसर्चर हैं कहीं PhD वगैरह तो वो क्लिक कर दीजिए, अगर प्रोफेशनल है बिजनेस पर्सन है या अदर है तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जो भी है ठीक है। अगर आप सैलरीड क्लिक करते हैं तो देखिए आपको आपकी इंडस्ट्री का नाम यहाँ पर डालना होगा, आप किस इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, अगर टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए।
तो मैं फटाफट ये आपके सामने फिल कर देता हूँ। अब ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कोई पासवर्ड आपका डालना होगा, यहाँ पर नया पासवर्ड। वो पासवर्ड डालने के बाद वही पासवर्ड सेम यहाँ पर कन्फर्म के लिए यहाँ पर आप डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। और अगर आप वो पासवर्ड गलती से भूल जाते हैं तो वो पासवर्ड वापस रिकवर करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ हिंट क्वेश्चंस है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ आपने चूज कर लिया और हिंट आंसर में आप कुछ भी डाल दीजिए जो आपको याद रहे। यहाँ पर दिया गया है कि आपको SMS अलर्ट फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, मैं येस पर रहने देता हूँ और उसके बाद आप क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये रही इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, आप पहले रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि वो फॉर्म एक्चुअली फिल कैसे करना है, ठीक है। तो आप इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए, पूरे एपिसोड्स को ध्यान से देखिए, और मैं अपने चैनल पर ट्रेडिंग के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस डालते रहता हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।